गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरीके का टोन क्रिएट करना सिखाएंगे। देख पा रहे हो कि इस फोटो के अंदर कितना मस्त जो है कलर टोन है। आप देख पा रहे हो कि एक्वा टोन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख पा रहे हो ऊपर एक्वा एंड यहाँ पे देख पा रहे हो ऑरेंज टोन। भाई फोटो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है, बहुत ही पॉप फोटो लग रही है। एक बार ये देखो बिफोर की फोटो एंड ये देख पा रहे हो एक बार आफ्टर की फोटो, बहुत ज़्यादा फर्क है भाई। इस तरीके का कलर टोन डालना काफ़ी ज़्यादा ईजी है अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आप वीडियो पूरा देखने के बाद 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस तरह का फोटो एडिट करना सीख ही जाओगे। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड गैलरी से हमने इस फोटो को ओपन कर लिया है। अब गाइस इस फोटो के अंदर ना हमें ऑरेंज सा टोन डालना है एंड साथ ही साथ मतलब ये जो मतलब व्हाइट कलर आप देख पा रहे हो कि इसमें व्हाइट कलर में ना हमें मतलब सियान सा टोन डालना है, एक वाट सा टोन डालना है। इस फोटो को गाइस जस्ट हम यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे एंड इसको ओपन कर लेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। ये रहा मेरे फ़ोन में लाइटरूम ऐप, मैंने जस्ट इसको ऐड टू एलआर कर दिया। अब ये फोटो जो हमारी लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो जाएगी। अब आपको ऊपर से स्क्रॉल करना है ऐसे, देन आपको एक नोटिफिकेशन लाइटरूम का मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन लाइटरूम का इंपोर्ट फिनिश्ड का एक नोटिफिकेशन मिलेगा। जस्ट आपको इस पर टैप करना है एंड आपको ऑल फोटोज़ पर क्लिक करना है। अब गाइज आपको अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी फ़ोटोज हो। मैंने गाइज इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया, इसे हमको एडिट करना है। इस फोटो के अंदर सबसे पहले हम लाइट की एडजस्टमेंट करेंगे। इसके लिए जाएंगे हम लाइट वाले टूल के अंदर, देन यहाँ पे आने के बाद हम कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू +6 कर लेंगे। हाइलाइट्स को आपको थोड़ा सा कम कर लेना है, हाइलाइट्स को -24 एंड शैडोज आपको यहाँ मिल जाएगी, शैडोज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है लगभग 21 के आसपास, ठीक है। वाइट्स को कम कर लेंगे, वाइट्स को -24 एंड ब्लैक्स को बढ़ा लेंगे लगभग 19 के आसपास, ठीक है। इतना सेटिंग हो जाने के बाद आप देख पा रहे हो फोटो के अंदर, ये देखो आप एक बार बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर। तो फोटो के अंदर हमारी लाइट की एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब आपको आना है सिंपल से यहाँ इफेक्ट्स वाले टूल के अंदर एंड यहाँ पे हम टेक्सचर को +6 कर लेंगे एंड डीएच को भी बढ़ा लेना है, डीएच को +14 के आसपास बढ़ा लेना है एंड विग्निट को थोड़ा सा -8 रखना है लगभग -25 एंड मिड पॉइंट को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे लगभग -36 एंड फेदर को बढ़ा देंगे 74 के आसपास। एंड अब आप फोटो को देख पाओगे बिफोर आफ्टर। आप देख पा रहे हो अभी आपको फोटो के अंदर डिफरेंस पता चल रहा होगा, लेकिन अभी इस फोटो के अंदर हम कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। इसके लिए जाएंगे हम इस सिंपल से इस कलर वाले टूल के अंदर। कलर वाले टूल के अंदर आने के बाद आपको सिंपल से यहाँ टेम्प पे क्लिक करके टेम्प को बढ़ा देना है लगभग, टेम्प को +14 के आसपास आपको बढ़ा लेना है एंड टिंट को आपको कम कर लेना है, टिंट को -6 कर लेना है एंड यहाँ हम थोड़ा सा वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे, वाइब्रेंस को +6 कर लेंगे। अब आपको आ जाना है मिक्स टूल के अंदर एंड मिक्स टूल में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स दिख जाएंगे एंड बहुत सारे लोग ना यहीं पे गलती कर देते हैं एंड अपनी फ़ोटो को एडिट नहीं कर पाते हैं। मतलब ये सारे कलर्स का यूज़ करके आप एक अच्छा सा कलर टोन डाल सकते हो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। आप सबसे लास्ट वाले कलर के अंदर आना, ये कलर आपको मतलब ये पर्पल एंड मैजेंटा कलर है, इन दोनों को आपको सेचुरेशन पूरा जीरो कर लेना है, पूरा मतलब -8 कर लेना है। आप देख पा रहे हो बाकी ये आप देख पा रहे हो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का भी हम सेचुरेशन लगभग इतना माइनस कर लेंगे। एंड अब आपको आ जाना है ग्रीन कलर के अंदर, ये वाला कलर आपको रहने देना है। या देखो जैसे हम कम करेंगे ये कपड़ों का कलर यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, लेकिन हमें अभी कपड़ों पर कलर रहने देना है, ठीक है। अब आपको आ जाना है ग्रीन कलर के अंदर, देन यहाँ से इसकी ह्यू को पूरा लेफ्ट साइड की तरफ कर देना है। अब आप देख पा रहे हो कि फ़ोटो के अंदर येलो टोन आ गया है, तो येलो टोन आ जाने के बाद अब आपको येलो वाला कलर सेलेक्ट करना है एंड इसकी ह्यू को पूरा लेफ्ट साइड की तरफ कर देना है। अब देख पा रहे हो फोटो के अंदर ऑरेंज सा टोन आ गया एंड थोड़ा सा सेचुरेशन को बिल्कुल हल्का सा कम करेंगे -16 के आसपास एंड यहाँ से इसकी भी लुमिनेंस को थोड़ा सा कम कर लेंगे, साथ ही साथ ग्रीन का भी लुमिनेंस कम कर लेंगे थोड़ा सा, गाइस हम इसका भी सेचुरेशन कम कर लेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हो फोटो के अंदर कुछ इस तरीके का टोन जो है क्रिएट हो गया। अब गाइस आपको यहाँ से ये वाला कलर ऑरेंज वाला कलर सेलेक्ट करना है एंड इसका सेचुरेशन कुछ इस तरीके से जीरो कर मतलब जीरो नहीं करना है, कम कर लेना है, सेचुरेशन लगभग 31 कर लेंगे एंड थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे इसके लुमिनेंस को +8 के आसपास, ह्यू को +4 कर लेंगे। अब रेड वाला कलर आपको सेलेक्ट करना है एंड इसका कुछ इस तरीके से सेचुरेशन को बढ़ा लेना है ताकि आपके लिप्स पे जो कलर फेड हुआ है वो रिकवर हो जाए। अब आपको यहाँ से सिंपल से डन कर लेना है। अब गज स्काई में कलर को ऐड करने के लिए लाइक हमें एक्वा कलर डालना है, इसके लिए हम जाएंगे इस मास्क वाले टूल के अंदर एंड यहाँ से प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, देन आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ आपको एक मिलेगा कलर रेंज करके, तो कलर रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको स्काई पे कुछ इस तरीके से लाकर रख देना है, ठीक है। स्काई पे रख देने के बाद यहाँ से इसकी रिफाइन की वैल्यू हम कम कर लेंगे, रिफाइन की वैल्यू आप इतना कम कर लेना जिस पे आपके मतलब फेस वगैरह पे कोई इफेक्ट ना आए उतना आप कम कर लेना, आप अच्छे से सेट कर सकते हो अपने मुताबिक।
इतना जो है हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसको इतना रहने दे रहा हूँ। बाकी यहाँ आपको अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ये पूरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक मास्क जो है क्रिएट हो जाएगा। अब आपको आना है कलर वाले टूल के अंदर, देन इस पर आने के बाद आपको यहाँ से आपको चलना है कलर में, एंड कलर में आपको ये वाला कलर जो है सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये कलर आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे कलर को डाल दिया। एंड थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे इसका सेचुरेशन, कम या ज़्यादा करके देख सकते हो, थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ रखते हैं। एंड यहाँ मिलेगी आपको टिंट, तो टिंट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो और टेम्प को भी एडजस्ट कर सकते हो। टेम्प को थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे, आप देख पा रहे हो कि अभी फोटो देखने में कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। एंड जैसे हम सेचुरेशन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फ़ोटो के अंदर कुछ इस तरीके का टोन जो है क्रिएट हो जाएगा। अब गई आपको यहाँ से इसको डन कर लेना है। अब आप फोटो देख पाओगे, ये देखो एक बार बिफोर एंड ये देख पा रहे हो एक बार आफ्टर। अभी भी इस फोटो के अंदर ना हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना बाकी है। इसके लिए जाएंगे हम इस डिटेल वाले टूल के अंदर। यहाँ पे आने के बाद हम शार्पनिंग की वैल्यू लगभग 33 कर लेंगे एंड यहाँ से इसकी नॉइज़ रिडक्शन की वैल्यू लगभग 38 के आसपास बढ़ा लेंगे। कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू लगभग 25 या 26 कर लेना है। कलर नॉइज़ रिडक्शन 53 के आसपास कर लेना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद डिटेल्स को बढ़ा लेंगे, स्मूथनेस को भी, एंड साथ ही साथ यहाँ भी डिटेल्स और ये भी डिटेल्स बढ़ा लेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि अभी फ़ोटो दिखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है। थोड़ी सी हम शार्पनिंग को और बढ़ा लेंगे एंड यहाँ से आपको इस ऑप्टिक्स वाले बटन पर क्लिक करके इन दोनों को आपको ऑन कर लेना है। आप देख पा रहे हो कि फ़ोटो, ये देखो एक बार बिफ़ोर, ये देख पा रहे हो आफ्टर, तो देख पा रहे हो कि फ़ोटो ओवरऑल हमारी बहुत ही मस्त तरीके से एडिट हो चुकी है। अब गई आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको इस शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, सेव टू डिवाइस कर लेना है। ये फ़ोटो आपकी गैलरी में इजीली सेव हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपनी फ़ोटो के अंदर ऐसा कलर टोन जो है डाल सकते हो। देख पा रहे हो कि एक्वा एंड ब्राउन टोन फोटो बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।